दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के सिमर टोका गांव में रविवार को गोली लगने से एक 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृत बच्चे की पहचान सिमर टोका गांव निवासी राम जतन सदा के 14 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर सदा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि श्याम सुंदर अपने 3-4 सहपाठियों के साथ गाँव में ही सूरज सदा के दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान देसी कट्टे से फायरिंग हो गई और श्याम सुंदर के पेट में जाकर गोली लग गई। घटना की सूचना पर परिजन एक गांव के लोगों ने गोली से घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मृतक को वापस गांव लाकर इसकी सूचना स्थानीय थाना की पुलिस को दे दी। बाढ़ ग्रसित इस गांव में पुलिस मोटर बोट का उपयोग कर पहुंची। नाबालिग के पास लोडेड देसी कट्टा कहां से आया और गोली क्यों चलाई गई, इसकी जानकारी कहीं से भी निकल कर सामने नहीं आ सकी। पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है। मृत बालक अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव के लोग इस घटना के संबंध में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि उजवा गांव निवासी भगवान राय के नाबालिग पुत्र ने गोली मारी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।